भारत यानी एसएल हैचरी की तरफ से एक्वा रेगुलेशन चैनल में हार्दिक शुभकामना जनाते हुए आज इस वीडियो डाल रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है देसी सिंगी मछली का लाइव ब्रीडिंग इस विंटर सीजन में। पहले तो हम बता दें कि आज जो डेट है वो है दिसंबर का 4th यानी 4th दिसंबर। आज हम आए हैं मेरे एक भाई का फार्म में जो सिंगी मछली का ब्रीडिंग के लिए मुझे बोला था, और मुझे बहुत बहुत मेरे भाइयों ने फ़ोन किया है और व्हाट्सएप किया है कि छोटी छोटी जानकारी के लिए। तो इन सभी मिला जुला के जो आज का टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है देसी सिंगी मछली का मेल फीमेल कैसे आप पहचाने और इस विंटर सीजन में क्या देसी सिंगी मछली का ब्रीडिंग हो सकता है। इसीलिए हम आज इस हैचरी में आए हैं। मेरे एक भाई है, वो मुझे बुलाया था इसी वास्ते आए हैं। झुंडू जरा इधर आओ, ठीक है। तो ये भाई है मेरा, ये मुझे बुलाया था इसके हैचरी में आए हैं ये सिंगी मछली का ब्रीडिंग करने के लिए, ठीक है। पहले तो देखो, मैं जरा मेरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा ये दिखाने के लिए कि कौन कौन मछली इंजेक्शन होगा। पहले ये वाला ये जो सारी मछली है ये फीमेल मछली है, और यहाँ पे रखा हुआ है ये सब मेल मछली है। तो हम लोग कैसे पहचाने इसको जी कौन सा मेल मछली है और कौन सा फीमेल मछली है, जरा लाइट में लाओ कैमरा। हम आपको दिखाने के लिए चले इस बाकेट में दो फीमेल और दो मेल मछली लेके आए हैं। धीरे से आओ, क्लियर है पूरा पिक्चर। देखो ये वाला है फीमेल मछली, ये वाला फीमेल मछली है, ये वाला फीमेल मछली, और ये वाला है मेल मछली। तो दोनों का ये वाला भी मेल मछली है और ये है, ये रहा फीमेल मछली। तो दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर का डिफरेंस आप लोगों को दिखता है, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। देखो कि पहले के इसका जो बेली है ये फूला हुआ है और इसका पूरा थिन यानी पतला है। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा थिन है और इसकी ज़रा मसल होता है। और हर वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेल मछली छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है, और फीमेल मछली मेल मछली के साइज से बड़ा होता है। ये वाला भी फीमेल है, इससे बड़ा भी फीमेल होता है। आप लोग पहले भी देखे हुए हो कि मेरे जो फार्म में ब्रीडिंग हुआ है, ये देखो ये बड़ा सा मेल मछली है। इसका इसका सिर, इसका सिर इससे छोटा है, और इसका जो गर्दन होता है वो देखो थोड़ा थीन होता है यानी चिपका सा देखो थोड़ा, और इसका देखो कितना मोटा सा। ये गया पहले वाला। मैं मेरे भाई को फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इधर आए और एक मछली पकड़ के आपको इसका जेंटल पपीला कैसा होता है ये दिखाए। ये रहा इसका जेनिटल पपीला, आप सभी को दिख रहा है कि फीमेल मछली का जेनिटल पपीला कैसा होता है। ओके, ये तो ठीक मतन धोड़ो भाई। ये देखो ये थोड़ा गोलाई गोलाई होता है, दिख रहा है आप सभी को। मैं उम्मीद रखता हूँ सभी को दिख रहा है कि ये थोड़ा इसमें छेद होता है। देखो ये राउंड शेप का होता है और थोड़ा इसमें छेद होता है। ये रहा इसका जेंटल पपीला यानी फीमेल मछली का जेंटल पपीला, और इसका बेली थोड़ा मोटा होता है जिसमें एग रहता है। अभी इसे छोड़ दो, छोड़ो इसे, और एक मल मछली पकड़ो। मछली ये रहा मेल मछली, इसका जो जेंटल पपीला है ये आप लोगों को दिख रहा है कि इसमें देखो कोई छेद वगैरह नहीं है, और ये थोड़ा लंबा सा होता है, दिख रहा है
उम्मीद करता हूँ सभी को, आप सभी को एक सोच, एक सोच, हाँ, और नज़दीकी से दिखाने के लिए बोलूँगा मैं मेरा कैमरामैन को, भाई तू काचे नहीं आसो, ये देखो इसमें कोई छेद वगैरह नहीं होता है, ये थोड़ा लंबा सा होता है, थोड़ा लंबा सा, ये देखो दिख रहा है आप सभी को, मैं उम्मीद करता हूँ। ये रहा मेल मछली, आप ये मान के चलो, ये जानकर चलो कि ऐसा पकड़ पकड़ के आप हर एक मछली को दिखना आप लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, इसी वास्ते आप क्या करोगे इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे कि ये थोड़ा गर्दन, पहले मैं जैसे बोला हूँ कि मेल मछली का गर्दन थोड़ा थिन होता है और ये वाला थोड़ा फीमेल मछली का गर्दन मोटा होता है, और इसका मैं मेरा कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा मेल मछली का नज़दीक लाए कैमरा। ये रहा मेल मछली, ये देखो ये थोड़ा ऊपर, ये रहा इसका बॉडी स्ट्रक्चर और ये रहा इसका फीमेल का बॉडी स्ट्रक्चर, ये दोनों डिफरेंट देख के आपको पता चल जाएगा दो एक बार कोशिश करने के बाद कि कौन सा मेल मछली है और कौन सा फीमेल मछली। फिर से दोहरा रहा हूँ कि आज दिसंबर महीने का 4 तारीख है, यानी 4 दिसंबर आज इस विंटर सीजन में हम लाइव सिंगी मछली का ब्रीडिंग के वीडियो डाल रहे हैं। ये सारे फीमेल मछली है जो अभी मैं सुई करने के लिए बैठा हुआ हूँ, और ये वाला पहला है कि मैं सुई कर रहा हूँ, अभी मैं सुई कर रहा हूँ फीमेल मछली को। ये दोनों हो गया फीमेल मछली का, अभी दूसरी वाला लेंगे। मैंने पहले भी बोले थे आप लोगों को कि ये तावल का टुकड़ा का फंक्शन कैसा है, जो लोग देखा नहीं है मेरा पहले वाला वीडियो देख लो, इसका फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ, ये तावल का टुकड़ा देने से ये मछली बहुत उछल कूद मचाता है सुई देने के वक्त। अगर आप एक तावल का टुकड़ा दे दो तो वो क्या करता है, इसमें जकड़ जाता है और इसे उछलने नहीं देता है। अभी अभी आप देखे थे कि ये वाला मछली उछला था। तो हम दिखाएंगे आप लोगों को कि ये जो सुई करने के बाद ये हम लोग क्या करता है, इसको क्या करता है, इसको कौन सी जगह में ब्रीड करने के लिए छोड़ देते हैं। मैं मेरे कमांडर को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ आओ थोड़ा। देखो ये एक ऐसा नेट का, हम लोग बंगला में कहते हैं इसे हापा, इसके चारों ओर रस्सी से बंधा हुआ है और ये से हम लोग कहते हैं ब्रीडिंग नेट यानी ब्रीडिंग हापा। और ये जो हापा है इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ये इस जार का फ्लोर से लेके पानी का ऊपर तक ये लेवल है पानी 9 इंच पानी इसमें है, और ये फ्लोर और इस नेट के बीचों बीच एक 3 इंची का गैप होता है,
जिससे क्या होता है, ये मछली हम अभी इसे छोड़ रहे हैं कि ये जब भी ब्रीडिंग करके एक इसके अंदर दे दे तो ये वाला हिस्सा से, ये जो नेट का जो मेस का जो गैप है, इससे एक पूरा का पूरा एक नीचे फ्लोर में एक जगह इकट्ठा होता है। ये इसका खासियत है। ऐसे ऐसे करके हम हर एक मछली को सुई करके इस ब्रीडिंग नेट में डालेंगे। हम मेल मछली को सुई करने के लिए रेडी है। मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा कि थोड़ा दिखाने के लिए, ये मेल मछली है, इसको हम सुई कर रहे हैं। एक वाला हो गया, दूसरी वाला भी हो गया। अभी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ वो है कि ये तो आपने देख ही लिए कि मेल मछली कैसे सुई करते हैं, फीमेल मछली कैसे सुई करते हैं, कहाँ हम रखते हैं। ये पहले वाला जो फीमेल मछली जहाँ पे छोड़ दिए थे यानी ब्रीडिंग नेट में, वहीं पे हम लोग मेल मछली को छोड़ेंगे। इसके बाद क्या करना चाहिए कि आज पूरा रात इन लोगों को बड़ी सांस से पूरा चुपचाप होना चाहिए। फार्म चारों ओर कोई लाइट वगैरह ना पड़े, ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए। तो पूरे रात को लिए हम लोग छोड़ देंगे, फिर जाके कल सुबह हम इस नेट के भीतर जितना भी मछली है वो पूरे के पूरे नेट समेत उठाएंगे, उठा के छोड़ देंगे। फिर जाके एक जो होगा उसका जो एक होता है, जो अंडा होता है, वो देखोगे कि आप फ्लोर में जमा हो गया। उसे आप पंख से, जो मुर्गा या डाक होता है उनका जो पंख होता है, उससे लेके हल्का हल्का से छिड़का दो चारों ओर, यानी हटा दो। ये प्रोसेस होता है। और मैं क्या बताऊँ, आज इतना ही इस वीडियो में।